नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। महिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा सांसद प्रतिनिधि के सहयोग से शासकीय अस्पताल पहुंचकर नर्सों का सम्मान किया गया। समस्त नर्सों को टीका लगाकर व मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कोविड 19 में अपनी जान की फिक्र किए बिना, अपने परिवार की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से इन्होंने जनसेवा की है। नर्सिंग स्टाफ का जितना भी सम्मान किया जाए उतना कम है। वहीं नर्सिंग स्टाफ अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई है। नर्सों के सम्मान में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीमा यादव, एडवोकेट सांसद प्रतिनिधि विक्रम सिंह तोमर आदि वहां मौजूद रहे। यहां हमने नर्सों का सम्मान किया है। कोविड जैसी बीमारी में ये नर्सें अपनी जान की बाजी लगाकर अपने घर परिवार को छोड़कर आज हमारी दिन रात सेवा की है। उन सेवा भावना की हम जितनी भी पूजा करें, तारीफ करें या उनको जितना भी सम्मान। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो भी पाबंदियां लगी हुई थी उन्हें भी खत्म कर दिया गया है। ये तमाम जानकारी दी गई। आपको बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग ने ये तमाम जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि जिम मॉल को खोलने की भी अनुमति प्रशासन की तरफ से दी जा चुकी है। वहीं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। जिला प्रशासन ने टेस्टिंग की रिपोर्ट के मामले में जो कांग्रेस के आरोप हैं उसका पूरी तरह खंडन भेजा है। आप कलेक्टर के खंडन को पढ़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि बिना तथ्य के ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जिन टेस्टिंग की बात की जा रही है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट स्टेशन पर या ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं जहाँ भीड़ भाड़ होती है। उसमें से बहुत बार एक परिवार का जिसमें 4 सदस्य 5 सदस्य उनका टेस्ट किया जाता है, पर एक ही व्यक्ति का नंबर लिख दिया जाता है। बहुत बार महिलाएं और बेटियां अपना नंबर नहीं देना चाहती हैं तो उस ग्रुप के किसी भी मेल मेंबर का नंबर लिख लिया जाता है। बहुत बार बड़ी संख्या में एक साथ एक ग्रुप का टेस्ट होता है, नंबर एक ही का अंकित किया जाता है। दूसरा प्रश्न ये उठ रहा है कि नंबर नहीं होगा तो जानकारी कैसे होगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट में तो उसी समय रिपोर्ट आ जाती है, नंबर पे फिर से फ़ोन करने की कहीं आवश्यकता नहीं होती। मुझे लगता है बिना तथ्य के, बिना किसी जानकारी के कांग्रेस ये इल्ज़ाम लगा रही है। कांग्रेस के नेताओं को तो लाशों पर राजनीति करना और आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढना ये आदत हो गई है। कलेक्टर भोपाल ने इसका पूरी तरह से खंडन दिया है। मुझे लगता है आप लोगों को भी वो खंडन को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगभग कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया है। कुछ सेगमेंट छूटे थे वो भी आज से शुरू हो रहे हैं, जैसे मॉल, जिम, अब रेस्टोरेंट में भी आधी कैपेसिटी पर डाइनिंग बिठाकर भी भोजन कराने की छूट दी गई है। शादी की भी जो सीमित संख्या है उसको और बढ़ाया गया है, 50 तक अलाउ किया गया, 25 वधु पक्ष के और 25 वर पक्ष के अतिथि रहेंगे। पर फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, गति मध्यम हुई है। दूसरे राष्ट्रों में देखिए, यूके में फिर से वो लोग लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में बहुत तेज़ी से कोरोना की तीसरी वेव आ रही है। कोरोना समाप्त नहीं हुआ, कोरोना की गति मध्यम हुई है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो जिए परंतु कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपनाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। भोपाल में कांस्टेबल और एडिशनल एसपी के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। गाड़ी टकराने को लेकर एडिशनल एसपी और कांस्टेबल के बीच झड़प हो गई। बता दें कि एडिशनल एसपी टीटी नगर डिपो चौराहे पर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे, जहां बैरिकेड हटाते समय एडिशनल साहब की गाड़ी कांस्टेबल से टकरा गई, जिसको लेकर कांस्टेबल और एडिशनल एसपी में विवाद हो गया। इसी को लेकर एडिशनल एसपी और कांस्टेबलों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। इस मामले में मारपीट की FIR दर्ज की गई है और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये थाना टीटी नगर क्षेत्र का मामला है। इसमें जो फरियादी हैं, जो एडिशनल एसपी रैंक के हैं, अभी एसपी डायलेंटेड हैं, उन्होंने शिकायत करी थी कि 3 कांस्टेबल्स ने उनके साथ में जुमा जबकी करी है।
एक्चुअली जो पूरी वारदात है वो जवाहर चौक की है, टीटी नगर क्षेत्र की, जहाँ पर रात को बैरिकेड हटाने पर ये एडिशनल एसपी साहब ने बैरिकेड हटाए थे, तभी इनकी गाड़ी निकलना तभी इनके द्वारा गाड़ी निकाली गई और जो उनके पैर में टच हो गई थी, जिसके बाद से विवाद बढ़ गया था। और दोनों ही सिविल ड्रेस में थे, दोनों ही यूनिफॉर्म में नहीं थे, ना ड्यूटी पे थे, इसलिए दोनों को ही नहीं पता था दोनों पार्टीज को कि पुलिस में है, और इसी बात को लेकर उनमें दोनों में। सिंगरौली के बैडन कोतवाली थाना परिसर में पुलिस विभाग द्वारा निर्मित जिला पुलिस अस्पताल का शुभारंभ किया गया। रीवा संभाग के पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा ने इसका शुभारंभ किया। वहीं अस्पताल के शुभारंभ के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा ने कहा कि सिंगरौली जिले में पुलिस अस्पताल के शुभारंभ होने से पुलिस परिवार को चिकित्सा के लिए सब सहूलियत होंगी। पुलिस विभाग के कर्मचारी सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं, परिजनों के उपचार के लिए वह दूर के अस्पतालों में नहीं जा पाते, इसलिए अस्पताल का शुभारंभ होने से अब पुलिस के परिजनों को दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने एनसीएल सिंगरौली का आभार जताया, जिनके सहयोग से पुलिस अस्पताल का निर्माण हो सका है। पहले तो मैं सभी सिंगरौली के निवासियों को, कलेक्टर, एसपी, जनता और सभी प्रेस जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने दूसरी लहर जो कोविड का है उसमें काफ़ी सहयोग एक दूसरे से करके ऐसा स्थिति ले आया कि आज कोई संक्रमण की स्थिति बनी नहीं है जी। उसके बाद अभी भी अपने को उसी तरह से सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि कई लोग संभावना जता रहे हैं कि विशेषज्ञ के बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के या अनावश्यक रूप से बाहर घूमने से फिर संक्रमण हो सकता है। अपने को वही सुविधा है तो मैं निवासियों से अपील करता हूँ कि ये वाला जारी रखें। हरदा के खंडवा स्टेट हाईवे पर 20 साल की ब्यूटी पार्लर संचालिका को गोली मार दी गई, जिसके बाद संचालिका को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। पुलिस के द्वारा बताया गया कि आरोपी और पीड़िता के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन उसने शादीशुदा होने की बात छुपा कर रखी थी। पीड़िता ने उसे रुपए भी दिए थे, लेकिन जब उसे युवक के शादीशुदा होने की बात पता चली तो युवती ने आरोपी के पिता को कॉल किया। इसमें पीड़िता ने उससे कहा कि तुम्हारे लड़के ने मेरे साथ गलत किया है, वहीं झूठ बोलकर शारीरिक संबंध बनाए हैं, वहीं 1.5 लाख रुपए देने के बहाने बुलाकर प्रेमी ने महिला की गोली मार दी। आज दोपहर 12:30 बजे की बात है, एक कड़ोला नदी के पास जो है एक 20 वर्षीय बालिका को गोली लगने की सूचना मिली थी, तो मौके पे थाना सिविल लाइन की टीम और वरिष्ठ अधिकारी की टीम गई थी और उसको लेकर जो है अस्पताल में लाए हैं, और प्रथम दृष्टया धारा 307 आईपीसी का मुकदमा जो है। धार जिले के मनावर विधायक और जयश के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरा लाल अलावा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनावर धीरज बब्बर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद ज्ञापन देकर यह अवगत कराया गया कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 52 पत्ता सट्टा और जुआ खेलने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध जुआ खेला जाता है, इसे संचालित करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की मांग की गई। 1-2 साल से सट्टे कारोबारियों का आतंक मचा हुआ है। मैंने कई बार शिकायत करी, एसपी साहब को सूचना करी, इंदौर रेंज के डीआईजी साहब को भी सूचना करी, आईजी साहब को भी सूचना करी, उसके बावजूद भी ये सट्टे कारोबारियों का आतंक मचा हुआ है। आज हमने एसडीओपी साहब को तिबारा चौबारा ज्ञापन दिया है और मांग करी कि जो भी सट्टे का यहाँ पर सट्टा चला रहे हैं, चाहे टेबल चला रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और अगर सट्टा उसके बावजूद भी बंद नहीं होता तो निश्चित ही हमें पुलिस विभाग, पुलिस प्रशासन और सबके ऊपर एक सवाल खड़ा करने का मौका भी मिलेगा कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही और उनकी मिलीभगत के कारण क्षेत्र में जो अवैध सट्टा पनप रहा है उससे मनावर विधानसभा के गरीबों को जो नुकसान हो रहा है, यहाँ की जनता के साथ जो धोखेबाजी हो रही है उनमें इनके शामिल होने के। महाराष्ट्र की रहने वाली महिला के साथ भोपाल के एक होटल में दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी युवक महिला को काम दिलाने का झांसा देकर भोपाल लाया था। मंगलवार पुलिस के मुताबिक महिला महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में रहती है, वहां पर उसकी पहचान राजू नाम के युवक से हो गई थी। राजू से काम दिलाने का झांसा देकर भोपाल ले आया था। 2 दिन पहले महिला अपनी 2 बेटियों और आरोपी के साथ पुराने शहर के एक होटल में रुकी थी, यहाँ पर उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह काम का बहाना बनाते हुए होटल से बाहर चला गया।
काफी देर तक जब वह नहीं आया तो महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कल देर रात संज्ञान में घटना आई हुई थी। मीरा बाई बर्मन जो गोंदिया की रहने वाली है, उसके द्वारा बताया गया कि डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता मंदिर के पास उसकी राजू रामलाल भटोरिया नाम की व्यक्ति से पहचान हुई थी और लगभग एक साल से फोन से बात होती रही। इसके बाद वो अभी पुनः डोंगरगढ़ गया हुआ था, उसके साथ वो दो बच्चों के साथ में यहाँ पर आई हुई थी, होटल मिलन में रुकी हुई थी, जहाँ पर उसके साथ शादी का झांसा देकर के बलात्कार किया गया। उस पर से प्राथमिकी दर्ज की गई है। ज़्यादा जानकारी महिला को बिल्कुल नहीं है, एक मोबाइल नंबर दिया है उसने और राजू रामलाल नाम बताया हुआ है। और उसका कहना यह है कि बीच बीच में उसके द्वारा बताया गया था कि वो झांसी का रहने वाला है, वर्तमान में सिरडी में रहता है। संपूर्ण तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है, जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल के कोलार थाना इलाके से सनसनीखेज मामला सामने आया। नौकरी दिलाने के नाम पर युवक ने 34 वर्षीय महिला का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी अंकित जायसवाल के मुताबिक महिला को राहुल दांगी नाम के युवक ने नौकरी दिलाने का बहाना बनाया था। महिला को आरोपी ने नवजीवन कॉलोनी में बंधक बनाया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल महिला की शिकायत पर आरोपी राहुल दांगी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। एक कोलार थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया जिसमें एक महिला ने शिकायत करी कि जो राहुल दांगी नाम का जो व्यक्ति था उसने उसको यहाँ से बंधक बनाकर लेके गया और छोला मंदिर में नवजीवन कॉलोनी में 5-6 दिन उसे रखा, उसके साथ में गलत काम किया। इसके मामले को जांच संज्ञान में लेते हमने FIR दर्ज करी है और उसको आरोपी को भी। धार जिले में दो पक्षों के बीच विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद के बाद पुलिस की कार्यवाही को लेकर आक्रोशित हिंदू संगठन और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस ने पूरी घटना के मुख्य आरोपियों पर सख्त कार्यवाही नहीं करते हुए दूसरे पक्ष के लोगों पर ही कार्यवाही की है। वहीं पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को एक तरफा कार्यवाही बताया गया है। साथ ही बताया गया कि इस घटना के विरोध में तार विभाग के 34 थाना इकाई पर ज्ञापन सौंपा गया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से पुलिस कर्मियों पर जांच कर सख्त कार्यवाही कर निलंबित करने की मांग की है। इंदौर के संयोगतागंज थाना क्षेत्र से चोरी की घटना सामने आई है। बता दें कि अपनी पत्नी की मौत के बाद अपने पुश्तैनी घर गए एक ट्रेवल्स कारोबारी के फ्लैट में चोरी हो गई। चोरों ने एक ही बिल्डिंग के 3 फ्लैटों के ताले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक फ्लैट के ताले तोड़ने में ही सफल हो पाए, जिसके बाद चोरों ने नकदी समेत जेवरात लेकर वह फरार हो गए। चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंचे दो बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गए। वहीं फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। 10 मई को मेरी मम्मी का देहांत हो गया था, जिसके बाद हम लोग यहाँ से हमारे पूरे परिवार को मिलने के लिए महाराष्ट्र गए हुए थे। और जब हम वापस आए तो हमने देखा कि हमारे घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा था, हमारी अलमारियों के लॉकर तोड़ दिए गए थे और घर के ताले भी तोड़ दिए गए थे। तो इस चोरी में मेरे मम्मी का जो भी कुछ थोड़ा बहुत गहने थे, कुछ कैश था, कुछ ज़रूरी दस्तावेज थे, कुछ चांदी थी, वो सब चोरी हो चुका है। और इसके अलावा आसपास के 3-4 ताले और तोड़े गए थे। तो ये हमको रतलाम के पिपलौदा के जैन मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि चोरों ने मंदिर के अंदर मौजूद संगमरमर की दान पेटी को तोड़कर रुपए चुरा लिए। पुजारी बंशी लाल शर्मा ने बताया कि वह मंदिर से पूजा करके घर चले गए थे। वहीं सुबह जब पुजारी वापस मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के ताले टूटे हुए थे और मंदिर की दान पेटी भी टूटी हुई थी, जिसमें से राशि निकाली गई थी। इस घटना के बाद पुजारी ने मंदिर के अध्यक्ष और सचिव को इस बात की सूचना दी। बता दें कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की हरकत कैद हो गई। उक्त घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। अपना जैन मंदिर दादावड़ी के नाम से है यहाँ पर, उसमें करीब 11 बजे के लगभग कुछ अज्ञात लोग पीछे से सीढ़ी का सहारा लेके उसमें घुसे थे और वहाँ के दान पत्रों को तोड़कर कुछ उसमें रखा हुआ कम से 5-7 हज़ार रुपये करीबन बताया गया है
वो चोरी करके ले गए हैं। उस पर तत्काल जब पीड़ित पक्ष जो था तो उसने जैन समाज के लोगों ने वो मुकदमा यहाँ दर्ज कराया है, जिस पर तत्काल रिपोर्ट दर्ज की जाकर अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। जब मैं सुबह 5:15 बजे उठा, मंदिर खोलने आया, गुरु मंदिर का दरवाज़ा देखा, ताला टूटा हुआ था। मैं गेट खोल के अंदर देखा, जो संगमरमर का अंदर जो भंडार था वो पूरा टूटा हुआ था, उसकी नकदी गायब थी। फिर मैंने प्रभु मंदिर का गेट देखा जाके, वहाँ का भी ताला टूटा हुआ था। गेट खोल के देखा, वहाँ का भंडार गायब था। फिर मैंने पीढ़ी पर व्यवस्थापक लखन सिंह इनको उठाया, इनको जानकारी दी। इन्होंने अध्यक्ष महोदय एवं सचिव को फ़ोन पर जानकारी दी। वो लोग आए, उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने फिर थाने में जाकर जानकारी दी। वहाँ से पुलिसकर्मी आए और उन्होंने देखा, मौके का जायज़ा लिया और भंडार भी पीछे रखा हुआ था, पीछे सीढ़ी लगी हुई थी जहाँ से चोर घुसे। CCTV के अनुसार रात को 11:15 के लगभग वो अंदर आए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।